पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। शिक्षा विभाग से के पाठक चले गए। के पाठक जब तक शिक्षा विभाग में थे, तब तक शिक्षकों को स्कूल आने में, बच्चों को स्कूल आने में बहुत डर लगता था। आपने देखा भी होगा कि जब के पाठक शिक्षा विभाग में थे तो आए दिन खबर रहती थी के पाठक ने ये किया, के पाठक ने सैलरी काटी, के पाठक ने वेतन काटा, के पाठक के कारण कुछ शिक्षकों ने स्कूल छोड़ दिया, ये खबरें आती रहती थी। लेकिन जब से एस सिद्धार्थ भी आए हैं, ऐसा लग रहा है कि एस सिद्धार्थ के पाठक से एक कदम आगे है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब एस सिद्धार्थ की टारगेट पे शिक्षक नहीं, बच्चे नहीं, बल्कि 8,000 प्राइवेट स्कूल हैं। जी हाँ, बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अब तक 20,000 स्कूलों ने आवेदन किया है, लेकिन 8,000 स्कूलों ने अब तक आवेदन नहीं किया है। इस संख्या या संख्या राज्य में मौजूद 40,000 निजी स्कूल से काफी कम है। इस लापरवाही को देखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिले के अधिकारियों को कार्रवाई देने का आदेश किया है, कार्रवाई करने का आदेश किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि शिक्षा अधिकार कानून के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने आगे कहा कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के आलोक में निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति यानी पंजीकरण लेना अनिवार्य है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय जो निर्धारित मानक धारित करता हो, सक्षम प्राधिकार से पंजीकरण का प्रमाण पत्र लिए बिना स्थापित या संचालित नहीं करेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर 1,00,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा नियम तोड़ने वाले स्कूल अगर निर्धारित तिथि के बाद भी चलते रहें तो उन्हें हर दिन के हिसाब से ₹10,000 का जुर्माना देना होगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश में अभी तक 11,152 निजी स्कूल को मान्यता मिल चुकी है। जिन स्कूलों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनको सूची सभी जिलों से मांगी गई है। उनकी सूची की लिस्ट जो कही है तो मांगी गई है। जिला शिक्षा जिला पदाधिकारी ऐसे स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। देखिए, पहले भी ये नोटिस भेजा गया और इनको 10 से 15 अगस्त का समय दिया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है और शिक्षा विभाग ये देख रहा है कि ये स्कूल जो है वो सीरियस नहीं ले रहे हैं और रजिस्टर्ड नहीं करा रहे हैं खुद को, तो अब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और शिक्षा विभाग ने अब इन स्कूलों को रडार पे ले लिया। अब एस सिद्धार्थ कोई बड़ा कदम इन स्कूलों के खिलाफ उठा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।